होली में सबसे अच्छी स्थिति है कि आप हवन करो, फिर जो है किसी को गले भी मनना है तो एक दूसरे को गले मिलो, फिर आपको किसी की भूल माफ करनी है, गलतियां भी तो हो जाती हैं, गुरु शिष्यों में भी आपस में कभी हो सकता है किसी बात को लेके नाराजगी हो जाए, है? हो सकता है बहनों बहनों में, भाई भाइयों में, और अब तो सभी तो भाई हैं, हम सबका फिजिकल एग्जिस्टेंस एक ही जैसा है, 99.999% 0.001% अलग है हमारा एग्जिस्टेंस, और वो भी जो माइनर डिफरेंस है वो जेनेटिक लेवल पर है, बाकी हम में कोई अंतर, वी आर वन, वी आर इक्वल, यही फिलॉसफी है वननेस की। ये किसकी फिलॉसफी है? वननेस, एकत्व, क्या बोलते हैं इसको? आजकल पूरी दुनिया में दो फिलॉसफी बहुत ज्यादा चल रही हैं कि भाई पूरी दुनिया को सुखी बनाना है तो क्या होना चाहिए? वननेस। दूसरा बोलते हैं ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम। तीसरा बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस। तो वो तो ब्रदरहुड और कोएग्जिस्टेंस एक ही बात है, और वननेस भी एक ही बात है। एक ही बात को तीन तरह से कहा जाता है, ब्रदरहुड, वननेस, कोएग्जिस्टेंस। तीन शब्द सुने आपने, फिर से बोलो। इसका ये कहते हैं कि भाई इस पर ये दुनिया चलेगी तो बड़ी सुखी रहेगी, नहीं तो क्या हो रहा है? अमेरिका ने ताकतवर लोगों का एक समूह बना रखा है, तो वो कहते हैं हमारी बात सब मानो, तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए दो संगठन बना दिए, एक WTO बना दिया और एक बना दिया IMF, कि किस देश के पैसे की करेंसी की क्या कीमत होगी हम लोग तय करेंगे, तो उसके लिए दो संगठन बना दिए, एक का नाम है IMF और दूसरे का नाम है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों आर्थिक संस्थाएं बना दी कि ये पूरी दुनिया की किस देश की करेंसी की, किस देश के पैसे की क्या कीमत होगी। अब जैसे यहां का 90 रुपए और इंग्लैंड का 1 पाउंड बराबर है, हमारा यहां का 67-68 रुपए और अमेरिका का 1 रुपए, उसका नाम डॉलर है, कहीं ये तो नाम रख देते हैं, कहीं रुपए, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं अलग अलग नाम रख देते हैं ना, तो ये तय करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में व्यापार कैसे चलेगा, तो उसके लिए WTO बना दिया कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको पूरे अर्थव्यवस्था को डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए WTO बना दिया। फिर बोलो कोई आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानेगा तो उसके ऊपर हम लोग मिल करके और हमला कर देंगे, उसके लिए UNO बना दिया। ये UNO झगड़े रोकने वाला संगठन नहीं, झगड़े करने वाला संगठन है। दुनिया ऐसी मानती है कि ये झगड़े रोकने वाला है, कि भाई आपस में कोई झगड़ा करेगा तो उसके ऊपर हम बैन लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मूलतः ये युद्ध करने वाला संगठन है। और अगली बात सुनो, पूरी दुनिया में दवाइयां क्या खाई जाएंगी उसके लिए तय करने के लिए WHO बना दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो होगी उनकी व्यवस्था। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, सही क्या है, गलत क्या है, इसको लेकर के बहुत फाइट हो रही है, और वो फाइट के 4-5 रूप होते हैं, एक सामाजिक, एक आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। दुनिया में ये बात आप लोग आज सुन रहे हो, जब 20-25 साल के बाद आप सोचोगे तो आपको इस बात का पूरा पता लगेगा, अभी थोड़ा सा पता लगेगा। दुनिया में जिनके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग होता है ना, वो लोग बड़े खतरनाक तरीके से लोगों को बांटते हैं। कुछ लोग तो अपना एक संगठन बना लेते हैं, फिर थोड़ा और थोड़ा शातिर दिमाग हो तो कोई अपना मजहब बना लेते हैं, फिर कोई और बड़ा शातिर दिमाग हो तो अपना एक नया देश बना लेते हैं, फिर और शातिर दिमाग हो तो कुछ नए फिर उसमें कानून बना लेते हैं, और फिर कहते हैं अब मैं जो चाहूंगा वैसा करूंगा। अब वहां कहां गया वननेस, कहां गया ब्रदरहुड, वो कहां गया कोएग्जिस्टेंस, सब मामला खत्म, बोले मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा विचार अच्छा, तीन चीजें सबसे ऊपर आती हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक रिलीजियस सिस्टम और तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम। इसके ऊपर पूरी दुनिया के संघर्ष चल रहे हैं और इसको लेकर के भी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, उसको आइडियोलॉजी बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, पॉलिसीज बोलो, एक ही बात है। अब भारत में अभी क्या हो रहा है, एक JNU में एक लड़का खड़ा हुआ, खड़ा होकर के जोर से नारा लगाता, आजादी संघवाद से, आजादी सामंतवाद से, आजादी से पूंजीवाद से, आजादी हिस्से उससे, और बस फाइट चालू।
फिर तीसरी तरफ से एक आवाज आई, तेरे कातिल जिंदा है, अफजल हम सरविंदा है। अच्छा, फिर उधर से आवाज आई, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। फिर उधर से आती है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसी आवाज आती है। फिर ऐसे ऐसे ये क्या चल रहा है, ये वो बोलते हैं, ये राइट टू स्पीच, इसकी फाइट चल रही है। अब हमें बोलने की आजादी है, तुम हमारे साथ में न्याय नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, हम एक देश में विश्वास नहीं रखते, हमारा देश अलग होना चाहिए, तुम हमारी बात नहीं सुनते हो, तुम हमारी भाषा को नहीं मानते हो, तुम्हारी रीति रिवाज को नहीं मानते हो, तुम हमारी परंपराओं को नहीं मानते हो। अब सुनो, आप लोगों को यहां ये जो सिखा रहे हैं ना, क्या सिखा रहे हैं, हमको राइट थॉट्स में रहना चाहिए। कैसा राइट थॉट नहीं होगा तो फाइट होगी। ये सही गलत क्या है, तो ये तीन सिद्धांत बताए जिसमें एकत्व के सिद्धांत की हानि ना होती हो, जिसमें कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांत की हानि ना होती हो, और जिसके अंदर ब्रदरहुड की हानि ना होती हो, जिसमें विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और एकत्व, तीन शब्द बोले हिंदी के बहुत अच्छे शब्द हैं, क्या बोला, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व और। अब ये तीन सिद्धांत की हानि नहीं होगी तो दुनिया बड़ी सुखी रहेगी, लेकिन पूरी दुनिया में बड़ा गड़बड़ हो रहा है हिंदुस्तान में आजकल। अब वो लड़का एक ऐसे तो सामान्य परिवार में पैदा हुआ, तो उसने एक एक पूरा बहुत बड़ा गैंग बना लिया, तो अब इस देश में ऐसी फाइट चल रही है। तो मेरे से पूछा, स्वामी जी आप क्या कहेंगे, इस देश में बहुत ज़्यादा असहिष्णुता बढ़ रही है। मैंने, इस देश में असहिष्णुता कोई धार्मिक तौर पर तो ना के बराबर है, सबसे बड़ी चीज़ है ना, उसके भी मूल में जो तांत्रिक बोलते हैं, सांप्रदायिक बोलते हैं, राजनीतिक आर्थिक कुछ भी बोलते हैं, सब विचारों के मूल में है वैचारिक असहिष्णुता। क्या है बोलो, उसी का दूसरा रूप होता है आर्थिक असहिष्णुता, क्या उसी का तीसरा रूप होता है फिर राजनीतिक असहिष्णुता, क्या होता है उसी का एक और रूप होता है धार्मिक असहिष्णुता, क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व कायम होना चाहिए, वो झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं और फिर वो कुछ जय के नारे लगाते हैं और फिर कहते हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेंगे। दूसरा आता है पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद होगा, राजी राजी नहीं तो तलवार के बल पर होगा, बम पटाखे छोड़ेंगे जो नहीं मानेगा उसके ऊपर। तीसरा आता है पूरी दुनिया में ईसाइयत का झंडा ऊंचा होगा, और इसके ऊपर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कितने जोर से तो बोलो, लाख करोड़ कितना होता है पता है बच्चों, कितना होता है 100 लाख मिलके 1 करोड़, फिर ऐसे 10 करोड़ 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, 10000 50000, 99000 करोड़ के बाद आता है 1 लाख करोड़। पता लगा कितना हुआ, मैथमेटिक्स गड़बड़ हो गया। एक कई लाख करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च होता है कि इस्लाम का झंडा ऊंचा रहेगा, कई लाख करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होता है कि ईसाइयत का झंडा ऊंचा रहेगा, फिर थोड़ा उनके पास पैसा ज्यादा है, फिर हिंदुत्व का झंडा ऊंचा रहेगा, इसके ऊपर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है, फिर बौद्धिज्म का झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा रहेगा, इसके ऊपर भी हिंदुस्तान में थोड़ा कम पैसा खर्च होता है, इसके ऊपर जापान ताइवान और रशिया कुछ देशों में अलग अलग और दूसरे कुछ ऐसे कंट्री हैं वहां पर बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों करोड़ रुपए इसमें खर्च होता है। बुद्धिज्म का झंडा ऊंचा रहेगा, जैन लोगों का ज्यादा फैलाव नहीं है हिंदुस्तान में, ज्यादा है क्योंकि इनके साधु संत जो है ना वो गाड़ी में नहीं बैठते, हवाई जहाज में नहीं उड़ते, समुद्र पार नहीं करते, तो फिर इसलिए वो इधर इधर ज्यादा है। अब ये मामला चल रहा है, तो अब बताओ कौन सा झंडा ऊंचा रहना चाहिए, हिंदुत्व का रहना चाहिए, जैनिज्म का रहना चाहिए, बुद्धिज्म का रहना चाहिए, सिखिज्म का रहना चाहिए, ईसाइयत का रहना चाहिए, सबका। अब ये कह रहे हैं वैदिक धर्म का झंडा ऊंचा रहना चाहिए, किसी का भी नहीं,
अच्छे बच्चे तो हैं एकदम, मतलब अभी एकदम इनका फ्रेश है एकदम दिमाग ना, अब इनसे बड़े वालों से पूछो ना तो ये भी ऐसी ऐसी नई नई बात करेंगे फिर है? तो अब आज मैंने इतनी बात कही है। अच्छे बताओ ये सारी धरती किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई। हिंदू को किसने बनाया? मुसलमान को किसने बनाया? ईसाई को किसने बनाया? तो भगवान सबका क्या हुआ? बाप। हम सब उसकी क्या हुई? लेकिन उसकी संतानें मिलजुल के तो रहती नहीं है, एक दूसरे का खून का प्यासा होना चाहिए एक दूसरे को, भाई को, ये हो रहा है। तो आप लोगों को आज हम होली के दिन ये शुभकामना देते हैं और ऐसी दुनिया बनाने का संकल्प लेते हैं कि जहां सारी दुनिया में झगड़े खत्म हो जाए और हम सब एक बनकर के जिए। हम सब होली में मिलते हैं ना, तो हिंदू बौद्ध जैन सिख ईसाई, मैंने बहुत बार सोचा क्या इन सबको एक ही झंडे के नीचे लाया जा सकता है। पहले तो मैं भी ऐसे ही सोचता था, गुरुकुल से निकला तो सिर में चोटी गले में जनेऊ, और मैंने सोचा सारी दुनिया के सिर पे चोटी होगी और गले में जनेऊ होगी, सब हवन करेंगे। बाद में मैंने देखा ये तो चलने वाला है एजेंडा नहीं, सब तो नहीं हो सकते, इसलिए हमने सबको तो ऐसा नहीं बना सकते, तो फिर क्या कुछ फिर क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा सिद्धांत तो रखो ऐसा जो, अब ये तीन शब्द बोले, मैं तीन शब्द और दूसरे बोल रहा हूं, सिद्धांत तो होना चाहिए ऐसा जो सार्वभौमिक हो। कैसा हो बोलो? सार्वभौमिक समझते हो? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सार्वभौमिक को? यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे बोलो? एक ऐसा सिद्धांत, अभी तीन शब्द बोले थे, विश्व बंधुत्व सह अस्तित्व एकत्व, इसमें किसी को कोई शंका है? क्यों जी दीपक जी, कोई इसमें तो कोई शंका नहीं होगी? बड़े वालों से भी पूछ ले तो मैंने कहा कहीं कहीं सिद्धांत की हानि ना हो जाए, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अब तीन शब्द और बोल रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनो, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, ये सारी दुनिया में नहीं तो ऐसी आग लग रही है और लगती जाएगी। सारी दुनिया को सुखी बनाना है, होली पर तो मिलन का त्यौहार है ना, बोले मिलना चाहिए, आपस में मिलेंगे कैसे? अब विचार मिलते नहीं, दिल मिलते नहीं, भावनाएं मिलती नहीं, तो झगड़ा कर रहे हैं, थोड़ी देर रंग रूंग लगाया और बाद में फिर वही कल थी होली आज होली थोड़ी है, तो एक दिन तो मिल लिया दूसरे दिन घुर्राना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं भाई। तो सुनो, ऐसा सिद्धांत जिससे सारी दुनिया सुखी हो जाए, तो ऐसे कुछ बातें तय करनी चाहिए जो सार्वभौमिक हो। क्या हो बोलो? और वैज्ञानिक हो। क्या हो? वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक। उधर साउथ में वैज्ञानिक और इधर हमारे कुछ लोग अब क्या कहते हैं वैज्ञानिक, अब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? वैज्ञानिक हो। और तीसरा वो पंथ निरपेक्ष हो। क्या हो बोलो? पंथ निरपेक्ष हो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो यूनिवर्सल साइंटिफिक एंड सेक्युलर। क्या हो बोलो? सार्वभौमिक माने जिसको सब मान सकें, सब मानते हैं ना कि सच बोलना चाहिए, है ना। महर्षि दयानंद ने एक बार सबसे पूछा भाई धर्म क्या है, तो बोले भाई जिसको सब लोग एक साथ मानते हो धर्म, बोले सच बोलना चाहिए कि झूठ, तो सबने बोला सच, बोले सच बोलना धर्म है, बोले किसी को मारना चाहिए हिंसा करनी चाहिए या हिंसा, बोले हिंसा, बोले हिंसा ही धर्म है, बेईमानी करनी चाहिए कि ईमानदार होना चाहिए, तो ईमानदारी धर्म है। ये तो ऐसे ऐसे महर्षि दयानंद ने सिद्धांतों को तय किया। तो जो सार्वभौमिक है वो धर्म है, वो सत्य है, वो सिद्धांत है और वो दुनिया के सुखी होने का मार्ग है। देखो पूरी दुनिया में बात चलती है सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी शांति पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ल्ड पीस, किससे कौन से सिद्धांत पे चल के आएगा? जो यूनिवर्सल हो, जो बात यूनिवर्सल हो, जो बात साइंटिफिक हो और सेक्युलर हो, जिसमें कोई बाड़ा ना बना हो पंथ का, मजहबों का, दीवारें सारी टूट जाएं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रेम से भरा हुआ हो संसार, ऐसी होली के ऊपर सबको बधाइयां।
और होली को हम होली के ढंग से मनाएं, ऐसी होली मनाएं जिसे किसी को दुख ना हो, हम खुशियां पाएं और दूसरों को भी खुशियां, और वो खुशियां एक क्षणिक ना हो, वो खुशियां थोड़ी देर के लिए हो अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा भी रह सके, वही तो सार्वभौमिक होगा। तो ऐसी बातों पर हम विश्वास करें। तो आज आप सब ने अभी हवन कर लिया, अब थोड़ी देर आप लोग खुशियां मना लेना। क्या थोड़ी देर की खुशियां होनी चाहिए कि हमेशा की? हमेशा। तो हमेशा आप लोग खुश रहते हो ना? कुछ तो हमेशा खुश रहते हैं, कुछ बीच बीच में नाराज होते रहते हैं ना, होते रहते हैं ना। तो आज के बाद ऐसा सोच लो, हमको कभी नाराज। अरे मैं भी बचपन में, जैसे मैंने बोला ना, मैंने भी गलती कर रखी, पटाखे फोड़ रखे, ऐसे मैं बचपन में ना रूठ जाया करता था। रूठना बोलते हैं तो रूठ जाते थे, उसको हरियाणा में ना गांव की भाषा में रूसना बोलते हैं। तो ये बोले रूस के बैठ गया, मुंह फुला के बैठ गया। तो फिर मैंने अब रूसना, रूठना, नाराज होना बंद कर रखा है, नाराज ही नहीं होता। हाँ, कोई दूसरा भी नाराज हो जाए तो उसको थोड़ा प्यार प्यार से, थोड़ा राजी हो जाओ ना भाई ऐसे। तो आज के बाद कोई रूठेगा, कोई नाराज, कोई एक दूसरे से द्वेष। आप तो संध्या करते हो ना रोज, योस्मान द्वेष्टि स्तंभो जंभे धर्मा, सब डाल दो हैं, सब अग्नि में डाल करके भस्म कर दो। आप लोग अपने सारी बुराइयों के आज होली जलाओ, खूब खुशियां मनाओ, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ऐसे तो आप ऐसा बोलते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपकी जिंदगी में सब खुशियां रहें। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारी खुशियां कभी भी गायब, और हमारी खुशियां कब गायब होती हैं? जब हम नाराज, जब हम एक दूसरे से द्वेष। बस ये द्वेष करना छोड़ दें, एक दूसरे से नाराज होना बंद कर दें, और सब में एकत्व का दर्शन करें। एकत्व माने एक ही भगवान सबके अंदर है, और सह अस्तित्व माने उसको भी जीने का अधिकार है और हमें भी जीने का अधिकार है, वो भी सुखी रहे हम भी सुखी, इसको कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं, सह अस्तित्व। और विश्व बंधुत्व माने सब एक ही परमात्मा का ये सारा साम्राज्य है और मिलजुल करके रहें सब, ठीक है। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी खुश रहें और ऐसी खुशियां बांटें, और एक ऐसा संसार बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे देखो, आज मैं कोई बात कहता हूं तो कितने लोगों तक जाती है? कितने लोगों तक जाती है? करोड़ों लोगों तक जाती है। तो जैसे मैं इन बातों को मानता हूं, जो मैंने आपको तीन बात कही, अंग्रेजी में क्या बोला मैंने? पहले बोला ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस, वननेस, बेसिक फिलॉसफी इज वननेस। तो वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, और फिर तीन बातें सिद्धांत के तौर पर कही। सत्य सिद्धांत कौन सा है? जो साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और सेक्युलर है। वो ऐसी बातें मैं कहूंगा तो इस बात का असर होगा कि नहीं लोगों पर? तो ऐसे विचार वाले हम अच्छे अच्छे लोग बनाना चाहते हैं। अभी तो एक आचार्य कुलम है, ऐसे 500 से ज्यादा आचार्य कुलम, और अभी तो मेरी बात हो गई है पक्की, इसलिए होली के दिन कह रहा हूं। अभी बहुत जल्दी अपना वैदिक एजुकेशन बोर्ड बन जाएगा, पूरी दुनिया में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो फिर हमको, आप जो पढ़ रहे हो अभी, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है ना हमको वेद, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाद में सिलेबस में वेद आ जाएगा, माने आपको फिर अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। जो आप संस्कृत पढ़ते हो, जो आप हिंदी की बुक्स पढ़ते हो, फिर जो आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो ना, इनमें सब में चेंज हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें आ जाएंगी। इसमें भी पूरी दुनिया में बहुत झगड़ा है कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो एक यूनिवर्सल, साइंटिफिक एंड सेक्युलर, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना देंगे कि पूरी दुनिया, पहले तो हमारे कुछ अपने 100-500 हजार स्कूल बनाएंगे, एक बहुत बड़ा फिर
विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे पूरी दुनिया के आके, वहां अफ्रीकन कंट्रीज के बच्चे भी आएंगे, यूरोपियन कंट्रीज के बच्चे भी आएंगे, फिर यूएसए से भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे, चीन जापान से भी आएंगे, जर्मनी फ्रांस से भी आएंगे, यूरोप से, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। और जैसे प्राचीन काल में ऋषियों के पास आकर के पढ़ा करते थे, ऐसे गुरु जी के पास आके पढ़ा करेंगे। ऐसे कितने बच्चों का विश्वविद्यालय बनाना है? कम से कम 1 लाख कितने होते पता? बहुत बड़े होते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा परिसर बनेगा, करीब 1000 एकड़ का। कितना? 1000 एकड़ पता है कितनी दूर होता है? इधर से ऐसे लंबे चलो तो हरिद्वार आ जाएगा। ऐसे लंबा जाओगे तो इधर ऐसे हाँ, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। और आपको दो तरह से बनना है, सुखी भी रहना है और सफल भी बनना है। अच्छा बताओ, हमारे सिद्धांत में यदि सच्चाई है तो हमें भौतिक दृष्टि से भी देखो, मैं इन दोनों चीजों को देखता हूं कि हमें भीतर से भी नंबर 1 रहना है और बाहर से भी नंबर, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की भावना से नहीं। अच्छा, जैसे आप क्लास में आप नंबर 1 रहते हो तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आप बलवान रहते हो तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो आप बलवान इसलिए नहीं बन रहे कि मैं किसी को मारूंगा, मुझे बलवान बनना है ना? तो ऐसी सात्विकता के साथ, तो आपको हर क्षेत्र में नंबर 1 रहना है, हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, करेक्टर में, प्रॉस्पेरिटी में है? जैसे अपना पतंजलि योगपीठ नहीं है, नंबर 1 है किसमें? योग में, आयुर्वेद में। और अब पतंजलि ब्रांड भी नंबर 1 ब्रांड हो रहा है। किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करके पतंजलि ब्रांड इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा हजारों लाखों करोड़ रुपए, वो सब सेवा में लगेगा, सबकी सेवा के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े काम कैसे करने हैं? आप सबको भी करने हैं। हमको किसी ने पढ़ाया? गुरु जी ने पढ़ाया। अब गुरु जी ने हमको थोड़ी बोला था ऐसे ब्रांड बनाना, बन गया क्या करे? एक मेरे से बोले, बाबा जी ये आपने इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया? मैंने कहा भैया हमको नहीं पता है कैसे बन गया ये तो। और फिर बोले इसका कुछ आप कुछ आपसे कुछ गलती हो गई और इस ब्रांड का कुछ नुकसान हो गया तो? मैंने कहा हम कोई गलत काम क्यों करेंगे? और एक बात और सुनो, लोगों का ना अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य ये नहीं है, ये भौतिक लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं, अंतिम लक्ष्य तो पूर्ण शांति की प्राप्ति है, लेकिन उस काम को करते करते ना आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे ही होगा जैसे पतंजलि योगपीठ में हो रहा है। ब्रांड इज नॉट अवर अल्टीमेट गोल, ब्रांड इज अवर बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल? सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस पीसफुल, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल इंडिविजुअल एंड पीसफुल वर्ल्ड, दिस इज अवर अल्टीमेट गोल। ऐसा बनाना है पूरी दुनिया को। तो ऐसे ही बच्चे आप लोग बनोगे, सामने वाले भी और पीछे वाले भी है, जो बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं सब सब ऐसे ही बने और सदा प्रसन्न रहें। और अब थोड़ी देर होली मनाएं, अब जो है गुरु जी इनको फूल फूल से आशीर्वाद दे दो।